few moments later. हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट हमने बनाया है। इस पे बात करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चैनल पे 95,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमें 5,000 सब्सक्राइबर चाहिए 100K होने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट मैंने वीडियोज़ को देखते हैं, आप लोग यहाँ पर डाटा देख सकते हैं 90% से भी ज़्यादा लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखते बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने अपने देश के वीर जवानों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जो लैंडमाइन की तरह दिखता है। तो इसको हमने ऐसे ही डिज़ाइन किया है, देखने में लैंडमाइन लगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल यूज़ करके देखेंगे फील्ड में जाके। उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली हमने आर्मी लोगों के लिए बनाया जो हमारे देश के वीर जवान हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो लैंडमाइंस भी जाते हैं बॉर्डर्स पे। कोई भी बाहर से कोई बंदा आता है, कोई भी डेकोइट्स आता है, कोई भी आता है तो उसमें पैर रखता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आर्मी जो लगाते या फिर उनके टीम मेंबर्स ने जो लैंडमाइंस बिछाए हुए हैं उसमें पैर रखे वो शहीद हो जाते हैं। ऐसे सालाना बहुत सारा ऐसे केसेस होता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि जो भी हमारा आर्मी ऑफिशियल या फिर उनके टीम मेंबर पर कोई भी होगा तो इसमें पैर रखने के बाद ये ब्लास्ट नहीं होगा। कोई भी अगर बाहर से आता है, कोई भी चोर या फिर कोई भी डकैत्स, कोई भी टेररिस्ट एंट्री करता है तो उसके पैर रखने के बाद ये ब्लास्ट होगा। तो ये कैसे काम करता है मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने कोई आर्डुइनो या फिर कोई भी कोडिंग का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाना है मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए, नहीं तो आपसे ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए अभी हम इस शानदार सी प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये काम ऐसे करता है, अगर हम इसको दबा के रखते हैं तो ये ऑन होता है और छोड़ने से ये ऑफ हो जाता है। आपको भी इसी टाइप का स्विच लेना है। तो इसके बाद हमें एक रिले चाहिए, 5 या फिर 6 वोल्ट का रिले का भी आप यूज़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट का आपको यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। और ये सारे चीज़ आप मेरे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हमें कनेक्टर चाहिए, मैंने सीलिंग फैन से निकाला हुआ है। आपको ये 10-20 रुपये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और इसका सामने वाले साइड हमें कट करके सेपरेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद हमें एक नाइक्रोम वायर लेना है, ये आपको हीटर रॉड के अंदर से मिल जाएगा या फिर आप शोल्डिंग आयरन के अंदर से भी इसको निकाल सकते हैं। सो इसके बाद हमें एक 2 सर्किट चाहिए, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। और ये सर्किट हमने रिमोट कंट्रोल कार्स के अंदर से निकाला है, जो बच्चों का खेलने का टॉय आता है उसके अंदर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक PVC पाइप को कट करके एक लैंडमाइन शेप का एक बॉक्स टाइप के या फिर सर्कल टाइप का मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका एक एंड मैंने बंद कर दिया है। और डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से है ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से है 4 सेंटीमीटर। तो इसका ढक्कन भी हमने बना लिया है जहाँ पे हमने एक छोटा सा होल किया है ताकि हम इस स्विच को यहाँ से डाल सके, आप देख सकते हैं। और सिंपली हमें इसको जो नट आता है उसके साथ यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। तो नेक्स्ट, कनेक्शन करने के लिए हम 2 टाइप्स के वायर लेंगे। एक तो हम छोटा सा नॉर्मल वायर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए, और बाकी हम जो एलिमेंट पार्ट है जो हीट होगा तो उसके लिए हम थोड़ा अच्छे कॉपर क्वालिटी के अच्छे वायर यूज़ करना है। तो नेक्स्ट, हम पावर सप्लाई के लिए 2 बैटरी यूज़ करेंगे। दोनों बैटरी का वोल्टेज सेम है, 3.7 वोल्ट एम्पियर में थोड़ा फर्क है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर शोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों बैटरी रिचार्जेबल है, एक है ट्रांसमीटर पार्ट के लिए और दूसरा है रिसीवर पार्ट के लिए। तो इसके बाद हम बैटरीज को चार्ज करने के लिए 2 चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल लेंगे दोनों बैटरीज के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर ये टाइप सी में है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बस आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगाना है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी है। तो इसके बाद हम 2 स्विच लेंगे हमारा दोनों सर्किट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पार्ट के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं रिसीवर पार्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, और इन दोनों वायर को हमें रिले के कॉइल वाली पिन से कनेक्ट करना है।
तो ये ब्लैक वायर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। करने के बाद हम इसको यहाँ से छील लेते हैं। तो इसको हमें स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के साथ लगाना है, ठीक है। तो डायरेक्टली सोल्डर करेंगे तो ये पकड़ेगा नहीं, तो इसके लिए आपको कोई सा भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ब्लेड से आप इसको रब कर लेना, उसके बाद काफ़ी अच्छे से सोल्डरिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने वायर को शोल्डर कर दिया है, तो इसी तरीके से आपको दूसरा वायर भी यहाँ पे शोल्डर करना है। तो देखिए मैंने दोनों वायर को शोल्डर कर दिया है। तो यहाँ पर येलो कलर का वायर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसको भी हम कट के अलग कर देते हैं। तो इसके बाद आप देखिए जो स्विच से हमारा वायर आ रहा है ब्लैक वायर को हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ शोल्डर कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने शोल्डर कर दिया है। तो अब हमारे पास येलो वायर बचा है, तो इस वायर को हमें रिले का बीच का जो पिन रहता है जिसको कॉमन पिन कहते हैं, तो वहाँ पर हम इसको शोल्डर कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वायर को शोल्डर कर दिया है। तो अब हम एक और वायर लेंगे और इसको हमें नॉर्मली क्लोज्ड पिन से लेके हमें डायरेक्टली बैटरी का पॉजिटिव के साथ शोल्डर कर देना है। तो अभी हमें इसको रिचार्जेबल बनाना है, तो यहाँ पर हमने दो वायर शोल्डर किया है बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव के ऊपर, और इनको हमें सिंपली बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए लगा लेना है। देखिए बट दोस्तों एक्चुअली कनेक्शन ऐसे नहीं करते, मॉड्यूल पे देखिए आप दो साइड पे और दो हमारा पिन बचा है, वहाँ से हमें कनेक्शन मतलब बैटरी से कोई भी हमें कुछ भी करना हो तो वहाँ से करने चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे हमने नाइक्रोम वायर का यूज़ किया है, तो इस जो हमारा सर्किट प्रोटेक्शन मॉड्यूल है इसको लगता है कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ये इसको ऑटो कट करके रख देता है, फिर हमारा प्रोजेक्ट काम नहीं करता है। इसलिए हमें डायरेक्टली बैटरी से हमने आउटपुट ले लिया, हमारा जो भी सर्किट है उसमें पावर दे दिया, लेकिन हमें चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगाने का एक ही मतलब है, सिर्फ हमें इसको चार्ज करना है। यहाँ से हमें पावर नहीं लिया, डायरेक्ट हमने बैटरी से ले लिया। तो देखिए अभी हमें इसमें 4.2 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इससे हमारा बैटरी फुल चार्ज है अभी। दोस्तों अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके बनाना है, तो ये सारे चीज़ आप एक पीसीबी में असेंबल करके एक ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जेएलसी पीसीबी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ $2 में 5 पीसीबी मिलता है, और भी काफ़ी नए नए फीचर्स लाइक 3D प्रिंटिंग एंड SMT स्टेंसिल्स। तो हमें सिंपली अपनी गर्बर फाइल अपलोड करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एड गर्बर फाइल आप देख सकते हैं। तो नीचे जाकर आप पीसीबी सेटिंग कर सकते हैं, लाइक थिकनेस, क्वांटिटी, कलर, लेयर सब कुछ आप सिलेक्ट करके सेव टू कार्ट करके आप इसको सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका कस्टम डिजाइंड पीसीबी। तो हमारा हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी हमें ट्रांसमीटर सेक्शन बनाना है। तो देखिए इसको मैंने ढक्कन से ऊपर का साइड बंद कर दिया है, और यहाँ पर हमारा इग्निशन पार्ट, और ऊपर में आप एक कॉपर वायर देख सकते हैं मैंने जिसको राउंड करके रखा है, ये बेसिकली एंटीना है। तो आप भी इस टाइप से एंटीना यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी हम ट्रांसमीटर सेक्शन बनाते हैं, तो ये सारा चीज़ चाहिए होगा बनाने के लिए। तो ये हमारा रिमोट का सर्किट, तो यहाँ से कोई सा भी हम एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इसको उल्टा करते हैं, तो इस साइड आप देख सकते हैं स्विच का पीछे ये दो टर्मिनल है, अगर हम स्विच को दबाते हैं तो ये दोनों वायर मतलब एक साथ हो जाता है, तो इन दोनों वायर को हमें शॉर्ट करना है। तो देखिए हमने इन दोनों वायर को इस टाइप से शोल्डिंग करके शॉर्ट कर दिया है आपस में। तो इसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हम इसका कनेक्शन करेंगे। और देखिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कहाँ से क्या लगाना है, आप देख सकते हैं सब कुछ स्विच है, यहाँ पर बैटरी है और हमारा सर्किट है। तो इसको हमने अभी कॉम्पैक्ट करके बनाया, ठीक है। सारी वायर्स को हमने कनेक्शन सेम है, बस हमने छोटा किया है। तो इसके बाद हम एक शू लेंगे, आप कोई सा भी आर्मी टाइप का शू ले सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो मेरे पास अभी आर्मी वाला शू नहीं था, तो मैंने सिंपल सा ले लिया है, और इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फील्ड पे इस प्रोजेक्ट का टेस्टिंग करने के लिए। तो मान लीजिए मैं कोई आर्मी ऑफिशियल हूँ जो कि आर्मी में काम करता हूँ, और ये मेरे दोस्त है जो कि एक टेररिस्ट या फिर कोई जो बॉर्डर से चुपके से आते हैं उनका रोल प्ले करेंगे। तो मैं आपको इसमें पैर रख के दिखाऊंगा कि ये ब्लास्ट नहीं होगा, और जैसे ये रखेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसमें पैर रख के आपको दिखाऊंगा, और ये ब्लास्ट नहीं होगा, जैसे ये रखेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पैर रखता हूँ, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ। देखिए तो अभी आप पैर रखिए इसमें, देखिए
तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम ऐसे ही बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आपको बनाना सिखाते हैं। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर या फिर मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो मुझे कमेंट करते हैं प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ईमेल्स पे करते हैं। मैं ईमेल्स पे सबका रिप्लाई तो करता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस, लगभग 4000 से भी ज़्यादा मैसेजेस हो चुका है, तो मेरे से रिप्लाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है। तो अभी मैंने अपने टीम एक मेंबर हमने रखा है इसके लिए। अगर आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैंने टीम रखा है तो वो अपनी हेल्प करेंगे, बट उसमें वो आपसे थोड़ा सा चार्ज करेंगे। लाइक आपको कोई भी प्रोजेक्ट का कोड बनानी हो या फिर हमारे प्रोजेक्ट को छोड़ के आपको कुछ भी बनाना हो, लाइक कोई भी कोड बनानी हो, कोई भी सर्किट आपको बनाने, कोई न्यू प्रोजेक्ट बनानी हो, तो उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे। उनका डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग इन्हें जानते होंगे, टेक्निकल आइडियाज़ यूट्यूब चैनल है इनका, तो उनका मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, यहाँ पर आप कंसल्ट करके उनसे कोई भी हेल्प, टेक्निकल हेल्प आप ले सकते हैं। बहुत ही एक जेन्युइन से चार्ज करेंगे, आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो ये स्टेप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे द्वारा इन सबको रिप्लाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मेरा भी अभी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है और रेगुलर क्लास है, एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो थोड़ा मैं पढ़ाई को लेके भी रहता हूँ, इसलिए यूट्यूब पे भी इनएक्टिव आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं हर दो दिन में एक वीडियो मेरा ज़रूर आ जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।